एपिसोड 9 शुरू होता है एरिन की तरफ से, जहाँ पर वो बोलता है ये तो हमारा एनिमी है। तभी वहाँ पर पहले सारा वो बोलता है कि तुमने अपना एग्ज़ाम दे दिया, अब तुम्हारे एबिलिटी से पता चलेगा तुम्हारा रिजल्ट, जो कि मैं बनाऊँगा। उसके बाद यूकियो उन सबकी ट्रीटमेंट कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सब एडमिट है, मतलब कि जो लोग घायल हुए थे। उसके बाद वहाँ पर सब सैमी के बारे में बात कर रहे होते हैं, और सुग्रो बोलता है कि सैमी पक्का पास हो जाएगी। और यहाँ पर सुग्रो पूछता है रिन से, तुमने उस डेमन को कैसे हराया? और यहाँ पर रिन बोलता है कि मैंने अपनी तलवार से हराया उसको। उसके बाद यहाँ पर कामिको को थोड़ा शक होता है, ये अकेला उस तलवार से एक डेमन को हरा सकता है। और यहाँ पर यूकियो निहाउस से बोलता है कि तुमने रिन की पावर सबके सामने रिवील क्यों की? मैं पता ही है, इस एकेडमी में बस कुछ ही लोगों को पता है कि रिन की असली सच्चाई। उसके बाद निहाउस बोलता है कि मैंने वैसे ही किया जैसा फेलिस ने कहा था, और मुझे ये कहा गया था उसकी पावर जितनी देख सकते हो उसकी रिपोर्ट दे दो। और यहाँ पर निहाउस बोलता है मैं उसे मार भी सकता था। और यहाँ पर हम देखते हैं यूकियो सैमी के घर आया होता है, जो कि उसकी माँ को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसकी माँ कहीं गई होती है। उसके बाद यूकियो बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे फ्यूचर के लिए आया हूँ। उसके बाद सैमी बोलती है कि मैं एग्जोरिस्ट बनूंगी क्या नहीं बनूंगी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं एक पास्ट का सीन, जहाँ पर यूकियो पहली बार सैमी से मिला होता है, जहाँ पर वो बहुत शर्मिली होती है। ये सुनकर जो प्रेजेंट वाली सैमी होती है वो शर्मा जाती है। और यहाँ पर यूकियो रिन की भी बैक स्टोरी नहीं बचपन की कहानी बताता है, जहाँ पर वो ऐसे ऐसे काम करता था जो एक आम आदमी कभी कर नहीं पाता था। और यहाँ पर यूकियो सैमी को बताता है कि अगर तुम स्क्वायर बन गई, मतलब अगर तुम इस एग्ज़ाम में पास हो गई, तो फिर तुम अपनी जान की बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन तब तक तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ रहेंगे। ये बोलने के बाद रिन को निहाउस की वाली बात याद आती है, मैं उसे मारने वाला भी था। तो यहाँ पर हम रात को देखते हैं कि निहाउस रिन को मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है और उसे सिर्फ मार डालता है, लेकिन वहाँ पर रिन नहीं होता। तभी पीछे से यूकियो उस पर शूटिंग करना शुरू कर डालता है। तभी वहाँ पर रिन आ जाता है अपनी पावर के साथ, जहाँ पर हमें पता चलता है कि निहाउस की एक बैक स्टोरी, जहाँ पर वो ब्लू नाइट सर्वाइवर था, जहाँ पर सैटर्न ने उसकी बॉडी पजेस कर ली थी और उसने अपने हाथों से ही अपने परिवार को मारा। उसके बाद रिन बोलता है कि तुम यहाँ पर इनोसेंट लोगों को बीच में मत लाओ। ये सुनने के बाद निहाउस बोलता है मेरे जैसे अभी बहुत लोग आएंगे तुमसे बदला लेने, तैयार रहना। और यहाँ पर रिन के घाव भरने लग जाते हैं, और वहाँ पर सैमी आ जाती है। फिर रिन अपनी पूँछ छुपा लेता है। उसके बाद यूकियो बोलता है कि ये सच्ची में अभी भी बहुत अलग है। और यहाँ पर फेलिस बोलता है कि तुम सब पास हो गए हो, अब हम पैनकेक पार्टी करेंगे। और यहाँ के स्टूडेंट्स पैनकेक बना रहे होते हैं, और यहाँ पर यूकियो फेलिस से निहाउस के बारे में बात कर रहा होता है। उसके बाद वहाँ से यूकियो चला जाता है, और यहाँ पर आता है फोन फेलिस को, जो कि उसका भाई का होता है, जो वहाँ पर आ नहीं रहा होता है क्योंकि वहाँ पर बैरियर्स लग रखे होते हैं। उसके बाद फेलिस बोलता है कि चिंता मत करो, निहाउस तुम्हें लेके आ जाएगा। फिर फोन रखने के बाद हम देखते हैं डेमन वर्ल्ड में, जहाँ पर फेलिस का भाई बोलता है कि मैं भी देखूँ रिन कितना पावरफुल है, पापा और भाई हमेशा इसके पीछे पड़े रहते हैं, क्यों ना मेरा पेट इसके लिए बहुत काफ़ी हो। फिर एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि रिन सारे पैनकेक्स अपने पास रख रहा होता है फेलिस का हिस्से का। उसके बाद फिर रिन फेलिस की तरफ देख के बोलता है कि ये पैनकेक्स तुम्हें बनाना चाहिए था, लेकिन इसको मैंने बनाया है तो फिर मैं ही इसे खाऊंगा। इसको कहने के बाद रिन इसे खा लेता है। उसके बाद फेलिस बोलता है कि तुम सच्ची में एक डेमन हो। यहीं पर हमारा खत्म होता है डे टू और वीडियो नंबर 2 का चैलेंज। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है और बोर नहीं हुए तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।